अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बस 3 दिन ही बचे हुए हैं, लेकिन तैयारियां जोरों पर है, जिसको लेकर परिवहन विभाग के द्वारा यात्रियों के आने जाने पर सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। अयोध्या जाने वाली सभी बसों में भगवान श्री राम के गाने बजाए जा रहे हैं। वहीं अयोध्या जाने वाली सभी बसों में श्रद्धालुओं में काफी उत्साह का माहौल साफ तौर पर दिखाई दिया है। राजधानी लखनऊ से अयोध्या जाने वाली बस में प्रदेश भर से आए यात्रियों में भगवान श्री राम लला के दर्शन करने को लेकर उत्साह है। लखनऊ से राशिद अलवी की रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं अवध बस अड्डा पर, जो अयोध्या की तरफ बसें जाती हैं, जो रोडवेज बसें हैं, जो परिवहन विभाग से चलाई जा रही हुई बसें हैं, जिन बसों में आप सुन सकते हैं कि जय जय राम के गीत गाए जा रहे हैं, उसके बाद भजन लगाया गया है, भजन सुनाया जा रहा है। कुछ मैं यहाँ से अयोध्या जाने वाले यात्रियों से बात करने की कोशिश करते हैं कि अयोध्या जा रहे हैं और किस तरह से दर्शन करने के प्रयास। जी मैडम, क्या नाम है आपका? आदित्य पांडे। आदित्य, आप जा रही हैं जी अयोध्या जी, श्री राम का दर्शन करने, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत खुशी मिल रही है। बसों में श्री राम गीत लगाए गए हैं, गाए जा रहे हैं, भजन गाए जा रहे हैं जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? अयोध्या। अयोध्या जा रहे हैं जी। हाँ, भजन जी बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा कुछ ना कुछ गाने बजते रहते थे, पर अब ये वाला गाना ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल जी जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग खुशी महसूस कर रहे हैं और कितनी खुशियां इनके अंदर भरी हुई हैं। मैं बात करूंगा, हमारे साथ एक चाचा जी हैं। चाचा जी, आप अयोध्या जा रहे हैं, गोरखपुर जा रहे हैं, जो आप रोडवेज बसों में श्री राम के भजन बज रहे हैं, अच्छा है, बढ़िया है, अच्छा लग रहा है? ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अच्छा है, ठीक है, बेहतर है और बहुत अच्छा लग रहा है जो भजन रोडवेज बसों में बजाया जा रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ एक भाई साहब बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी रोहित नाम है मेरा। रोहित जी, कहाँ जा रहे हैं? मैं गोरखपुर जा रहा हूं, अयोध्या होते हुए। अयोध्या होते हुए जी। क्या नाम है आपका? हरीश तिवारी जी। तिवारी जी, ये बताइए, जिस तरह से दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री जी हैं, वो रोड बेजों में भजन बजाने के लिए किए हैं और इस समय आप भजन बजा रहे हैं, लगातार भजन सुन रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जो आप लगातार अयोध्या का सफर कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? जो लोगों को बहुत 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 अच्छा लग रहा है, ये सौभाग्य है जो हमारे द्वारा हो पा रहा है ये सब। तो कहने का मतलब है कि सौभाग्य है, हर कोई अपना सौभाग्य ही मान रहा है, हर कोई बड़ी खुशी की लहर हर किसी के मन में दौड़ रही है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मैं राशिद अलवी, लखनऊ।